हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर ज्ञान अकेडमी में। तो आप सभी का नेवी एस एस आर एम आर का 9 जुलाई के जो आप सभी का एग्ज़ाम हुआ है उसकी फर्स्ट शिफ्ट में जितनी भी क्वेश्चन आए, यानी कि ए टू शिफ्ट में जितनी भी क्वेश्चन है यहाँ पर देखने वाले हैं, तो यहाँ पर जो भी है सब यहाँ पर देखेंगे। चलेगा, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। चलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे शुरू होता है कि आप सभी का गिरगिट कवि के नाम से किसे जाना जाता है। जो गिरगिट कवि हैं इनके नाम से किसे जानते हैं, इसको कहते हैं तुलसीदास। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है आप सभी के जेन्युइन क्वेश्चन है। आप सभी को कोई फेक क्वेश्चन लगता है तो आप लोग कमेंट में बता दें। ठीक है, पास्कल की इकाई क्या है? पास्कल की इकाई, पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल दबाव की इकाई। किसकी? दबाव की इकाई क्या है? पास्कल। तो आप लोग करेक्ट कर देंगे, ऑप्शन नंबर आप सभी का दबाव ठीक होगा। एग्जाम में क्वेश्चन था अंडमान निकोबार की राजधानी, एक क्वेश्चन आप सभी का राजधानी से पूछते हैं, तो आप सभी का पोर्ट विलेयर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट विलेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईसीजे का फुल फॉर्म क्या है? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों ने यही बताया और कुछ बच्चों का कहना था कि भाई आईसीजी पूछा था। ठीक है, तो वो आईसीजी नहीं, आप सभी का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, प्रथम परमवीर चक्र कब दिया गया था? तो प्रथम परमवीर चक्र 21 जून 1950 को दिया गया था। और किसे गया था? देश का पहला परमवीर चक्र पुरुष मरणोपरांत मेजर शर्मा को दिया गया था। किसको? मेजर शर्मा को दिया गया था। ठीक है, कौन से शर्मा? मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन से? सोमनाथ शर्मा, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2026 के शीतलाक ओलंपिक शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होंगे? तो 2026 के जो शीतकालीन ओलंपिक हैं वो कहाँ पर होंगे? इटली के शहर मिलान में होंगे। कहाँ पर होंगे? मिलान। कौन से हैं? 25वें होंगे ये, 25वें आप सभी के कहाँ पर होने वाले हैं? ये होंगे आप सभी के इटली के और मिलान और कोर्टिना शहर में, मिलान और कोर्टिना शहर में होने वाले हैं 2026 के शीतकालीन ओलंपिक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है कि वर्ल्ड में टोटल कितनी मुद्राएं हैं? वर्ल्ड में, दुनिया में कितनी मुद्राएं हैं? अगर क्वेश्चन जनरल, मेरे को लगता नहीं क्वेश्चन पूछा गया होगा, मगर पूछा गया तो आप सभी के 180 करेंसी हैं संयुक्त राष्ट्र के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन मेरे को लगता नहीं मगर बच्चों ने दिया है तो यहाँ पर मैंने आप सभी को बता दिया। तो एक क्वेश्चन था आप सभी का मैथ का, 18 और 19 का व्युत्क्रम क्या होगा? 18:19 का व्युत्क्रम। अगर क्वेश्चन यही था सेम तो आंसर भी आप सभी का 19:18 आप सभी का यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, व्युत्क्रम पूछा था, उल्टा बन जाएगा। आगे दे बात करते हैं, किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 2:3। ठीक है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो आप सभी के यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात फाइंड करना है। ठीक है, आप सभी का सिंपल सी है, आप सभी का जैसे कि दो त्रिभुज हैं, फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे क्षेत्रफल का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पहली भुजा हमने x मान ली, x का स्क्वायर, दूसरी भुजा हमारे पास y है, y का स्क्वायर। सिंपल सी बात, आप सभी का 2/3 का क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी आप सभी का कितना होगा? 2×2=4, और नीचे आप सभी का 3×3=9, 4/9 आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखते हैं, अगर ए बराबर 20% है किसी वस्तु का, ए 20% है, बी 50% है, तो बी ए का कितने परसेंट होगा? ये क्वेश्चन था। ठीक है, ए बी 20% है और बी 50%, तो बी ए का कितने परसेंट होगा? ए का कितने परसेंट होगा? सिंपल चीज़ है, बी नीचे लिख दो और 50 लिख दो ऊपर और गुणा कर दो 100। 20×5=100 होते हैं और आप सभी के 5×5=25, 250 आप सभी के यहाँ पर हो जाएगा 250%। बी ए का कितना होगा? 250% आप सभी के यहाँ पर बन जाएगा, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। आगे देखते हैं आप सभी का आता है, यहाँ पर हमारा टॉपर ज्ञान अकेडमी टेलीग्राम, मैंने इस पर सारे PDF अपलोड कर रखे, आप लोग जाकर इसको देख सकते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन क्या पूछा गया था। यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी का बनता है, बच्चे ने डाला है, देख लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा भीतरी बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा भीतरी बंदरगाह कौन सा है? तो आप सभी का मुंबई बंदरगाह है। कौन सा? मुंबई बंदरगाह होगा, भारत का सबसे बड़ा भीतरी बंदरगाह मुंबई होगा। PDF सारे कहाँ पर मिलेंगे? टॉपर ज्ञान अकेडमी टेलीग्राम पर मिलेंगे, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इस शिफ्ट के इतने ही क्वेश्चन मेरे पास अभी तक आए थे, जो बाकी क्वेश्चन आएंगे मैं आप सभी को PDF में प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे कि आप सभी के लास्ट शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पर दे और मैंने यहाँ पर बताए नहीं थे आप सभी को, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर आप सभी के इस टाइप से यहाँ पर दिखाई देंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, इसको देखते हैं कि यहाँ पर शेर की, यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं मैथमेटिक्स के। वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? आप सभी का गोंड नदी के किनारे स्थित है। आप सभी के यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन 1/1 + k sin थीटा + 1/1 - k sin थीटा = k sin थीटा था, तो यहाँ पर k की वैल्यू आप सभी की 2 हो जाएगी। क्लियर सी बात है, 9 और 25 के बीच औसत है, आप सभी को आप सभी का 17 होगा, 9 और 25 के बीच औसत है आप सभी का, औसत भी संख्याओं के बीच होगा, जैसे भी कीजिए 17 आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का मैथमेटिक्स के इस टाइप के क्वेश्चन आप सभी के बनने हैं, 23x + 11 y = 1750 है, तो 17x + 23y = 1800 है, इस टाइप से आप सभी को फाइंड करना था। आगे आप सभी को कैलकुलेशन करनी थी, सिंपल कैलकुलेशन कर सकते थे। और एक क्वेश्चन आप सभी कहाँ पर था, ए और बी किसी काम को मिलकर 8 दिन में करते हैं, ए और बी
और बी उसका अकेला काम को 12 दिन में करता है, तो कुल मिलाकर एक उस काम को कितने दिन में करेगा। तो आप सभी का 8 12 का एलसीएम 24 होगा, 8 3 24, 12 2 24, और यहाँ पर ए अगर कितना काम कर, बी को 2 काम करेगा तो ए कितना करेगा, 1 करेगा, कुल मिलाकर इस 24 दिन में काम को पूरा कर लेगा। ठीक है, अगर आगे इससे कुछ क्वेश्चन पूछो आप लोगों को पता होगा। फिलहाल आप सभी को कैलकुलेशन करनी थी, 57 60 को 45 से भाग करके 15 से गुणा करनी थी। इस टाइप के आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन है। पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम मिल जाएगा। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें।